हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखिए, ये अपना रिलेशन एंड फंक्शन की डेफिनेशन से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में जब हमने सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव पढ़ लिया है, तो आज हम बात करेंगे उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की। अब ये एग्जांपल करने से पहले ही हम एक बात देख लें कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो उससे बनने वाला जो रिलेशन होगा वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। जैसा आपके पेज में रेड कलर में सबसे लास्ट में दे रखा है, वही चार तीन डेफिनेशंस जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप अच्छे से करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप बेहिचक कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि एक जेड जो है नॉन जीरो इंटीजर है। जेड को हम मालूम है सिंबल ऑफ इंटीजर होता है, और नॉन जीरो से मतलब ये कि कोई ना कोई इसमें एक एलिमेंट होगा जो जीरो से बड़ा होगा। एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय एक्स, रिलेशन वाई इम्प्लाइज दैट एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स। फॉर ऑल एक्स वाई जेड किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? नॉन जीरो इंटीजर के अंदर। देन शो दैट आर इज नॉट ए इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन अ जेड। अब हमको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रिलेशन बताना है, वही तीन कंडीशन। तो फर्स्ट पार्ट हम चालू करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग अपने हिसाब से एक एक्स एलिमेंट लेते हैं जो नॉन जीरो इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो एक्स की पावर एक्स होगी तो ऑब्वियसली बात है एक्स की पावर एक्स ही के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट है। जैसा पिछले वीडियो में भी आपको बताया, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? खुद का ही मुंह देखना, मतलब एक्स की पावर एक्स या वाई की पावर एक्स से होगी तो दो एलिमेंट हो जाएंगे। वो हम नेक्स्ट सिमेट्रिक में जाएंगे, रिफ्लेक्सिव में एक ही एलिमेंट रहेगा और वो खुद का ही इट सेल्फ के अंदर बिलोंग करता है। तो हमने क्या देखा? एक्स रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जेड नॉन जीरो इंटीजर के अंदर, देयर फॉर ऑल और इज रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड पार्ट हम आते हैं, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। यदि एक्स वाई किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं? नॉन इंटीजर जेड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स इम्प्लाइज दैट वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई हो जाएगी। देयर फोर आर इज सेमेट्रिक रिलेशन। और सेमेट्रिक के रिलेशन की डेफिनेशन भी अपन ने देखा था कि एक्स कॉमा वाई होगा तो वाई कॉमा एक्स हो जाता है। पार्ट नंबर थर्ड हम बात करते हैं, तो देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करिए। इसमें यदि एक्स वाई, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीन एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लिया हमने। यदि एक्स रिलेशन आर में है तो वाई रिलेशन जेड में है, उस कंडीशन पर आपने क्वेश्चन में जो दे रखा है कि एक्स की पावर वाई इक्वल वाई की पावर एक्स, उसमें इस चीज़ को हम लोग पुटअप करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स की पावर वाई इक्वल वाई की पावर एक्स, और वाई की पावर जेड होगी तो जेड की पावर क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। बट हमारे क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं दे रखा है कि एक्स की पावर जेड और जेड की पावर एक्स दोनों इक्वल हैं। यदि ये चीज़ है ही नहीं तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन वाला जो कंडीशंस होती है वो सेटिस्फाइड नहीं करती है। यदि वो सेटिस्फाइड नहीं करती है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो उस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे? आर इज नॉट ए इक्विवेलेंट रिलेशन। और इक्विवेलेंट रिलेशन कब होगा? जब वो क्या करता है, रिफ्लेक्सिव, सेमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। थैंक यू।